नमस्कार दोस्तों, द सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो टीवी देख रहे हो ये हुंडई कंपनी का एक एलसीडी टीवी है, और ये जो मेरे पास आया था उसका डेड कंडीशन में आया था, तो मैंने उसको बहुत कुछ चेक करने के बाद मैं पावर सेक्शन में फॉल्ट मिला, पावर सेक्शन बनाया। पावर सेक्शन बनाने के बाद में जो स्टैंड बाय एलईडी है वो तो रेड कलर से जल रहा है, लेकिन स्टैंड बाय रिलीज़ नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये टीवी मैं थोड़ा अर्जेंट में बना रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया, और इससे भी मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, ज़्यादा बात भी कर नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये टीवी का जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट आप लोग अच्छा से याद रखिए, ये स्टैंड बाई का फॉल्ट जब भी आता है, जैसे स्टैंड बाई एलईडी जल रहा है लेकिन रिलीज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ये सेट में ज़्यादातर पर ये जो मैं खोल रहा हूँ ये SMPS, ये डाइवर्ट सेक्शन है जो बैकलाइट के लिए काम करता है, और उसी में ये फॉल्ट मिला हुआ है, तो उसका वजह से ये स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है। और ये बैकलाइट जो ड्राइवर है ये बहुत ही डेंजरस ड्राइवर सेक्शन है, और ये पावर सेक्शन है, ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में कुछ भी फॉल्ट मिलना मदरबोर्ड ओके है, और पावर सेक्शन जो है फिर पावर बोर्ड है ब्लैक कलर का, उसमें थोड़ा फॉल्ट मिला है, तो वो बना के ये ओके कर दिया। ये पावर बोर्ड भी देखिए, ये बहुत ही अजीब किस्म का पावर बोर्ड है, स्टेयर लगा हुआ है, और ये जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है, ये बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन मैंने टेस्ट करने के बाद में कुछ सामान ख़राब मिला, जो SMPS जो ट्रांसफार्मर आता है वो ट्रांसफार्मर ख़राब मिला। तो दोस्तों, मैंने ये ट्रांसफार्मर ख़राब जो वो आपको दिखा नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरे पास कस्टमर बैठा हुआ है, और कस्टमर को थोड़ा बहुत तो कुछ सामान दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप चार्ज वगैरह ले नहीं सकते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये देखिए, मैं ये सेंसर डबल लगाया, और ये पैनल बॉटम जो है पैनल बॉटम भी डबल लगाया, ये सेंसर डबल है पैनल बॉटम डबल है, तो लगा के मैंने चेक किया है, कभी कभी सेंसर में भी ख़राब होने से ये स्टैंड बाई रिलीज नहीं होता है, तो और स्विच जो बॉटम है बॉटम ख़राब होने से भी स्टैंड बाई बॉटम को दबाने से ये रिलीज नहीं होता है, और उसके बाद ये टीवी का रिमोट भी है, तो अभी टीवी जो मैंने ओके किया है ये बैकलाइट तो जल रहा है, स्टैंड बाई रिलीज़ करने से बैकलाइट जल रहा है, लेकिन मैंने उसका LBDS लाइन को मैंने ओपन करके रख चुका हूँ, क्योंकि ये जो टीवी है ये बहुत ही डेंजरस टीवी है, हुंडई टीवी है और LCD है, तो उसको जब भी आप खुले तो ये बात हमेशा याद रखना, LBDS को खुल के रखना, और उसमें एज स्टिक लगाया गया है जो बैकलाइट का, और ये पूरा अभी सही हो गया बैकलाइट पावर सेक्शन, उसको मैं फिटिंग कर रहा हूँ अभी, तो फिटिंग करके आप लोग को बताऊँगा ये टीवी आखिर में डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आया क्या, मैंने भी चेक नहीं किया अभी, तो मैं कबार को पहले फिट कर देता हूँ, उसके बाद टीवी को ऑन करके आप लोग को बताऊंगा उसमें और फॉल्ट है क्या या सही हो गया। दोस्तों, ये जो हुंडई कंपनी का टीवी है ये बहुत ही रिक्स वाली टीवी है, ये काम ज़्यादा नहीं, एक घंटा का काम है, लेकिन मैंने पूरा
दिन मेहनत करना पड़ा। मोटा मोटी 5 घंटा मैंने मेहनत करना पड़ा, उसके बाद टीवी ओके हुआ। और अभी टीवी स्टैंड बाय रिलीज भी हो रहा है, लेकिन पिक्चर अभी नहीं देखा हूँ। पिक्चर किससे आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये टीवी में ज़्यादा तरफ से पैनल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। मैंने जितना बार ये टीवी रिपेयर किया तो ज़्यादा वही बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में ही फॉल्ट मिला है। जो स्टैंड बाय रिलीज नहीं होता है उस टाइम वो जगह में फॉल्ट मिलता है। तो अभी देखिए, मैं सब कुछ लगा दिया, बोर्ड भी, मदरबोर्ड भी लगा दिया और बैकलाइट ड्राइवर भी लगा दिया, पावर सेक्शन भी लगा दिया। अभी देखिए ये पूरा मजबूती से लगा, उसमें ज़्यादा कुछ सामान लगा नहीं। पावर सेक्शन में ये कंडेंसर लगा और स्टेयर लगा, और बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में ये SMPS ट्रांसफार्मर लगा। उसके बाद ये टीवी ओके हो गया, लेकिन बैकलाइट स्टैंड बाय रिलीज करने से बैकलाइट जलता है, लेकिन उसका डिस्प्ले में पिक्चर आ रहा है कि नहीं, कुछ लोगो वगैरह आ रहा है कि नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया। तो दोस्तों, अभी बारी है चेक करने का, और आशा करता हूँ और दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आप लोग, मैं टीवी को उठा रहा हूँ और अभी मेन प्लग को लगाकर पिक्चर लोगो इमेज देखेंगे किस तरह ये आ रहा है। दोस्तों, ये टीवी बहुत ही डेंजरस टीवी है, जो भी काम करे बहुत ही सावधानी के साथ काम करे। तो ये मैं प्लग लगा रहा हूँ, और लगाने के बाद अभी देखिए ये कोना में जो रेड कलर से ये ब्लिंक हुआ। अभी स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ। ये उसका रिमोट है हुंडई का, ये रिमोट भी ओरिजिनल रिमोट है दोस्तों, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है रिमोट। ये रिमोट भी आप लोग याद रखना। तो ये रिमोट के सिवा सर्विस ओपन नहीं होगा। तो अभी देखिए ये स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ, और ये स्टैंड बाय रिलीज हो गया। और ये देखिए डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम है दोस्तों, वर्टिकल लाइन 3-4 लाइन बन रहा है। तो ये जो लाइन है ये आप लोग दूसरा कुछ फॉल्ट नहीं, मदरबोर्ड का, पावर सेक्शन का, ये कॉप का फॉल्ट है। कॉप में जंग लगने का वजह से ये लाइनिंग आ रहा है। तो ये बोल्डिंग मशीन से ये कॉप को लगाने से ये टीवी पूरी तरह से ओके हो जाएगा दोस्तों। ऐसे तो पिक्चर आएगा, पिक्चर भी चलेगा, लेकिन बीच में 2-3-4 लाइनिंग जो वर्टिकल लाइनिंग है वो देखने को मिलेगा, लेकिन पिक्चर आएगा दोस्तों। अभी मेनू प्रेस किया तो ये देखिए नाम वगैरह सब कुछ अच्छा ही आ रहा है। तो आशा करता हूँ पिक्चर भी सही होगा। ये ये मेनू का फंक्शन से पता चलता है पिक्चर कैसे आएगा, पिक्चर सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं ज़्यादा आप लोग को बता नहीं पाया, और सामान भी क्या क्या ख़राब था वो भी मैं दिखा नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।